अस्सलाम वालेकुम यार, ऐसा आए खड़े हैं और फोर्ट मिट्रो के टॉप जो थे व्यू हुई थे तो नजर आना पे होती अलहमदुल्ला हम खैर खैरियत नाल पहुंचे हैं। बस नज़ारा चढ़े खड़े हैं, नज़ारा करो बड़ी मखलूक ही वाली है, कहूँ रश है हैवी किस्म का रश है, हर बंदा इंजॉय कर रहा है। मौसम भी अज कमाल है, सारी कोशिश नसीबी है कि अज मौसम बड़ा लेवल का है। अलहमदुल्ला तुम भी व्यू देख सकते हो, बस थोड़े वास्ते की है कि मतलब यहाँ कुछ कर नहीं हो सकते, असा थोड़े मौके पर व्यूज दिखे। अगर इन पास अगर मैं दिखावा एक किस्म का पार्क है, इन्हें तमाम लोग मतलब फैमिली भी आएंगे लेकिन ज़्यादातर फैमिली भी नहीं आ सकते क्योंकि थोड़ा कल्चर ही नहीं सब रोज लोग रहा और ज़्यादातर अपने फैमिली के अगर छड़े आ ठीक है ना। देखो नज़ारा मतलब कि खास बार कह नहीं है कि तुम्हें बस तफरी वास्ते ठीक है, अगर कोई छड़े बंदे आवे फैमिली आई तो आप शाह ना कर लोग ज़्यादातर कहने तो पहले इन्फॉर्म कर देवान कि ये जी जा है ना इतना ज़्यादातर फैमिली कहनी आने छड़े लोग आने इसी वास्ते असं छड़े आए फैमिली आया वजह लेकिन बहुत कम है तो बहुत दूर दूर के इलाके माशाल्लाह। बस यार इतना इतों की जी सब तो अच्छी चीज़ है ना इतों का मौसम है, इतों का वैदर है ठीक है ना। मैं तो पहले भी नज़ारा करवाया था, मजीद नज़ारा करवा ना लोग डेली दे देते लेकिन नज़ारा करो नज़ारा क्यों है ठीक है ना। अलहमदुल्ला बड़ा हैवी किस्म का माहौल है कि थोड़ा नज़र आना पाए। अगर असा जन मजीद तो आप वेना चाहूँ पर अनारी आँगी है लेकिन असं उतना वेंदे नहीं क्योंकि टाइम काफ़ी सारा था ठीक है। इंशाल्लाह तो मजीद बुला के अनारी वाले पास है यार। बस सब तो जी उमदा चीज़ है ना इतों का मौसम है ठीक है, जड़ा ना तुम भी नज़ारे करो असं भी नज़ारे करेंगे। इस टाइम काफ़ी ज़्यादा बादल इतम बढ़ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा पेश करें पे और काफ़ी ठंडी हवाएं चलती भी है। अगर थोड़ा पर्सनल कैमरा है तो नाल गिन के आओ, अदरवाइज तो एच डी तस्वीर डी एस एल आर वाले इतना बंदे मिल वे सन तुम उन्हें को तस्वीर खिंचवा सकते वे। सवारी करने पे घोड़े के बहाने सब तो बुला घोड़े के बैठ के ना पूरा पार्क घूम सू तो पूरे पार्क का नज़ारा कर देने हैं घोड़े के बैठ के ना सर घोड़े के बैठ गए हैं, घोड़े के बैठ के सफर इंजॉय करने पे हैं ठीक है ना। यही हवाले ना सब तो पूरा ये नज़ारा भी ठीक है जी देखो ठीक है, चलो सब पूरे पार्क का नज़ारा भी करवा दो पार्क का नज़ारा करो सर लोग सी इंजॉय कर रहे हैं।
बड़े बदतमीजी यार पार्क के अंदर थोको काफ़ी ज़्यादा घोड़ सवारी का मौका मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा इतना बंदे मिल रहे जेड़े घोड़े घिन के आए हुए हैं, तो घोड़ सवारी कर सकते वे, इन्हें थोको तलवार भी देने, तो तलवार पकड़ सकते वे और पूरे पार्क का थोको नज़ारा करवा घोड़े के उत्ते बिला के, और काफ़ी ज़्यादा थोको मज़ा आने वाला है। अगर इस पार्क के अंदर आओ तो घोड़ सवारी लाजमी करो, और घोड़ सवारी करने तो वीडियो भी बढ़ा सकते वे, अपनी तस्वीर भी बढ़ा सकते वे, और थोड़ी अपनी चॉइस है, और काफ़ी ज़्यादा सस्ते हैं ये लोग, यानी 70 रुपए थको पूरा पार्क का नज़ारा करवा देने घोड़े के उत्ते बिला के, और इतना कोई 3000 या 3000 वाला कोई सीन कह नहीं, डरना नहीं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लोग हैं जेड़े इतना घोड़सवारी करवा, और थकू जेड़ा है पूरे पार्क का चक्कर लवेन, इंजॉय करो सीन्स, घोड़े के उत्ते बह के भी पार्क को इंजॉय कर सकते वे, काफ़ी ठंडा मौसम होंगे, और इस तो इलावा अगर आप पैदल चलना चाहो थोड़ी अपनी चॉइस है। सो इस टाइम सरे दे पे के घोड़े उत्ते बह के थकू ये बंदे पूरे पार्क का चक्कर लवेंदे, एक चक्कर ही लवेंदे, और दोबारा जितों तुस चढ़े होने वे उतें ही दोबारा थकू वापस लहा देने, 70 रुपए के अंदर थकू ये विजिट मिल वेंदे, इतना ज़्यादा महंगा कह नहीं, ओवरऑल लिठा वजे इतों के माहौल के हिसाब न बिल्कुल 70 रुपए मुनासिब ये रेट कहने उन्हें बाद थकू एक चक्कर लवा के वापस उतार देने। पहले ऐसा इस जगह पे मौजूद है से पार्क के अंदर हूँ प्याला दे खड़ा है, ये हूँ अस आ गए एक उसे दिन कोई प्याले वाली जगह, तो समझ तो नहीं आती भाई प्याला कि हिसाब में लिखवा देन, पर अली कोई प्याला ही आ देनी जा को, तो कोई इतों का नज़ारा करवाऊ जा, बड़ा खूबसूरत नज़ारा है यार। मैं हूँ ही सोचे ना वादा मैं कि यार अगर एक कोई अगर बंदा दसा वे तो एक मिनी मरी भी आक सकते हैं एक हिसाब में, इनका भी मौसम अच्छा है जेरे वेले भी आओ ठंडा मौसम है, इतनी गर्मी कह नहीं क्योंकि मरी ज़्यादा मशहूर है गोरमेंट रो घाट है, तो वाले एक मिनी मरी भी आक सकते हैं, लोग इतना है वाला लोकेशन के हिसाब में बैठा मैंने बहुत अच्छी जगह है, जिन्हें नज़ारे हैं जिन्हें हिसाब किताब है माशाल्लाह यार, ये कुदरत का हुस्न है जोड़ा सब कुछ देख मिलता पाए, इतों के लोग बहुत सारे हैं इन्हें ठीक है ना, अज भी अगर तुम देखो तो इन्होंने इतों के लोग कल्चर तो कहीं लग सी कि तकरीबन कोई 20-30 साल पिछते लगे गए हुए ठीक है ना, इतों के लोग इतना हाली भी सादा किस्म के तरीके रहा पैन, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मंजर है, ये सारा कच्चा रास्ता है ठीक है ना, ये सारी अपनी कैबिनेट है, कोई पापड़ खाना हो कोई क्या खाना हो तो मैं जूम करके दिखावा, माशाल्लाह चिड़िया खाना मेरे पीछे तो सब अच्छा, इतना ना मतलब तमाम आके अपने निशाने बने रही है फायरिंग शेयरिंग कराना, बड़ा मतलब
ये हिसाब किताब है, ठीक है ना। तो नजर आवे तुम ये थले खड़े, ये फायरिंग करने खड़े अपना निशाने शिशाने पक्के खड़े। प्याला जो है प्याले की तरह ही उसकी अगल ना प्याला है। चलो लोग भी दिखेने हैं जुल के, रस्ता ही है वाम आंधी पिए जांदी पिए, कोई प्याला देखने ना पाए, कोई वापसी वाले आंदे हैं। ये कोई एक बुखार लोग मिल गए हैं ना, ये वीडियो ना बड़ा हुई है वो प्लान थी। देखा है रसा ये अब जो प्याले वाली जाते आ गए हैं, प्याला कैक वाजन ये तो पानी शानी आना खड़े, ठीक है। ये सारी अपनी कैबिनेट है। अच्छा ये अच्छा सही, बस ये कोई रास्ता है तो भाई जा मेरे को प्याला सुना सिगरेट पी है, ठीक है। तो बस ये पर रास्ता है गार टाइप है, क्योंकि एक तो थोड़ा खतरनाक सीजन है, तो लिहाजा इतना को दिखा देते से नज़ारा वजारा सारा कुछ टोटली। तो ये लोग इधर ठीक आने पाने पानी आना पड़े उत्तर जोड़ा पानी आना पाने मेरे ख्याल ये उत्तर जोड़े लोग आराम है उन्होंने घर में पानी शानी आता है। तो बल सारी आवाम पाकिस्तानी जी उन्हें एक प्याला का नाम लेते हैं सारे को, कोई बल वा बेवकूफ हो जो अस इतना प्याला देखना आया था। ये प्याला देख के आने पे थले इो जी प्याली है इो जी सारी सिगरेट पी थी हमें वापस पेने पे उत्ते चढ़ते पे चढ़ाई बड़ी औखी पहाड़ की। हाँ ये तस्वीर बढ़ाओ यार, चलो मान गई तस्वीर। उगत तो पसंद आ गए वीडियो जा गई है अच्छा चलो ये बस हम वापस भी नहीं पे स्मेल बड़ी है था सही सारे एक काम कर रहे हैं सिर्फ पहाड़ खूबसूरत ने बाकी जड़ा ना इतना प्याला व्याला देखना फजूल है कशा के नहीं प्याले सिर्फ असी तो बनाव जंगल च रुल गए नहीं आना इतने ये माहौल है सारी आवाम जी वी है प्याले प्याले तक मेरा क्लाइंट आ गया मैं तो छोटे छोटे प्याले मैं तो जानता मेरी डायरेक्ट फ्लाइट जे सर जी ईरानी माल है सिर्फ 50 रुपए का है सारे पास इो जे बिस्किट 200 रुपए के बिकते माल उन्हें भी पाकिस्तानी माल है तो चेक करें क्या चीज है फोर्ट मिन रहो तो इतों का सरदा ना खाओ ये थी नहीं सकता ये जो सरदा है काफ़ी ज़्यादा मिठा होंगे लोरा लई और रकनी इस पास का ये सरदा है काफ़ी ज़्यादा मिठा होंगे एक जरूर टेस्ट करो अगर थोड़ा फोर्ट मिनरू का कोई विजिट बने एक हूँ अस खाने हैं वाला उन्हें बाद थोड़े न मजीद वीडियो शेयर करेने वापसी की। ओके जी शाम पै गई है सानू इतने ही रास्ते
बाय फॉर यू, फिर मिलेंगे। और ये शाम का मौसम आप चेक कर सकते हैं, इतना प्यारा हो चुका है मौसम और यहाँ पे ठंड लग रही है। हमें ए उन्हें गाड़ी टपी है तो ए आते वतन से वेलकम टू लाहौर। हालांकि आए फोर्ट मिनरू वतन, आवाम सारी पाकिस्तानी अजीब है वैसे। फोर्ट मिनरो घूमन फिरन के बाद हुण साडी रवानगी शुरू थी गई है घर की तरफ, और असा डीजी खान के रस्ते वापस वे सौ चौक कुरेशी। और ओवरऑल जी व्लॉगिंग की वीडियो थोड़े नाल शेयर कर दी से, इंजॉय करो, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, तुसा भी वनो, बहुत ज़्यादा मज़े हैं। फोर्ट मिनरो के अंदर बारिशा थी पैन, मौसम काफ़ी प्यारा है, ई टाइम विजिट करो। और यकीन मनो इवें लगते कि दिसंबर आ गया, जुलाई के अंदर दिसंबर की जी बहार है फोर्ट मिनरो के अंदर सबको देखने को मिल वेंदी है। तो हुण असा वापसी सफ़र शुरू कर दिते, वापसी घर पहुँचते हैं। तो हुण देखो नज़ारे, सूरज जोड़ा है वो डुबदा पै लांदा पै सूरज, तो हुण जी रत्ती लत्ती छाल थोड़ा नज़र आती पी बादलों के अंदर, काफ़ी ज़्यादा जोड़ा है खूबसूरत मंजर पेश करेंगी पी। ओके जी, तो यह है विलाग अज का फोर्ट मिनरो का विलाग पार्ट टू। इन अलावा कुछ और भी विलाग साढ़े को पैन फोर्ट मिनरो के, वह भी थोड़े नाल जरूर शेयर करे सूँ। विलाग थ्री विलाग फोर इंशाल्लाह थोड़े नाल जरूर शेयर कर दे सूँ। और इस टाइम जोड़ा है मजीद अंधेरा थी ना वेंदा, ही वजह को मजीद अगते वीडियो कहनी बड़ी। तो विलाग कोई थी करें सम अप, तो वीडियो लाइक कर लो, अपने दोस्तों नाल शेयर कर लो, फैमिली नाल भी शेयर कर सकते वे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर गिनो, थोकू आइंदा यो जै अच्छे अच्छे व्लॉग देखने को मिल वे सिन। मिल सू वाला कई बै व्लॉग के अंदर, थोकू इजाज़त दियो, साकू अल्लाह निगेबान।